बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोली और आप देख रहे हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें, इस जो रविदास जी के मंदिर को लेकर मामला जो चल रहा है, तुगलकाबाद में ये मंदिर स्थित था और वहां पर ये प्राचीन 600 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इस मंदिर की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी हुई है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको बताया कि जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर गुस्सा उभल रहा है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी 9 अगस्त से लेकर अब तक, यानी आज 13 अगस्त को रात 8 बज चुके हैं, अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पर हमारी पूरी टिप्पणी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त की देर रात पुलिस के द्वारा जो DDF यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण है, उसकी तरफ से पुलिस की 4,000-5,000 जवानों के साथ जो रविदास जी का तुगलकाबाद स्थित मंदिर था उस पर कब्जा किया। इसके बाद देर सुबह यानी सुबह 6-7 बजे के करीब पुलिस के द्वारा JCB से लगाकर उसे जो गेट था मेन गेट उसे तोड़ने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। इस मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर अगस्त आजाद से लेकर तमाम जो बहुजन समाज के नेता थे, लोग थे, समाज सेवी थे, वो 10 अगस्त को सुबह जल्दी सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस की इतनी भारी तादाद थी कि इन लोगों को नजदीक तक नहीं पहुंचने दिया और इन्होंने धरना विरोध प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई थी उससे ये लोगों को दहशत हुई और पूरी तरीके से प्राधिकरण जो दिल्ली विकास प्राधिकरण था उस मामले में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उसी घटना का विरोध करते करते दोपहर 2 बजे तक ये घटना पूरी तरीके से, यानी 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक ये घटना पूरे देश भर में फैल गई थी। 2 बजे के करीब ही घटना सामने आने के बाद पंजाब से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले के अंदर पूरी तरीके से लोगों ने जो पठानकोट जाने वाली, जालंधर जाने वाली, दिल्ली आने वाली तमाम जो सड़कें थी उनको जाम कर दिया गया। इसी के बाद आपको बता दें कि 11 अगस्त को पंजाब के अंदर जो रविदास जयंती समारोह समिति है उसकी तरफ से बंद का कॉल किया गया, यानी बंद का आह्वान किया गया। इसी के बाद आपको मैं बताऊं कि जो 12 अगस्त था, 12 अगस्त को भी बहुजन समाज की तरफ से बहुत जगह पर प्रदर्शन किए गए और आपको बता दें कि पठानकोट से लेकर जालंधर में फिर से प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश में भी इस मामले में प्रदर्शन हुए। इसी के लिए आपको बता दें कि 13 अगस्त को आज बंद का आह्वान किया गया था, जिस बंद का असर न केवल बल्कि पंजाब बल्कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस मैटर के अंदर काफी ज्यादा बंद का जो असर है वो देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा पंजाब के अंदर जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, करतारपुर कॉरिडोर तक तरीके से तमाम जो शहर थे वो पूरी तरीके से इस मामले में बंद नजर आए। कुल मिलाकर अगर अभी तक की स्थिति को साफ देखा जाए तो ये नजर साफ दिखाई दे रहा है कि इन मामलों के अंदर बहुजन समाज की तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया था पूरा असर उसका पंजाब के अंदर देखने को मिला। पंजाब की गली नुक्कड़ चौराहे तक सब पूरी तरीके से ठप नजर आए और बहुजन समाज के साथ मैं आपको बताऊं कि पहली बार ये देखने को नहीं मिला, बल्कि 2 अप्रैल से पहले भी उस समय भी महिलाओं की बहुत ही भारी तादाद मौजूद थी। आज भी महिलाओं के साथ साथ बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग नजर आए, क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से पहले से ही आज 13 अगस्त के लिए जो स्कूल कॉलेज थी उनके अंदर छुट्टी का घोषणा कर रखी थी। पूरी तरीके से आज 13 अगस्त को छुट्टी की गई थी और जो परीक्षाएं थी 13 अगस्त की उनको भी रद्द कर दिया गया था। इन मामलों को लेकर आपको बता दें पूरी तरीके से पंजाब में इसका खासा असर देखने को मिला। पंजाब में जो कुछ भी आज हुआ उसी से साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज अब पूरी तरीके से जागृत हो चुका है और इस मामले में उसे किसी नेता या संप्रदाय की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले के अंदर अभी तक किसी भी बड़े दलित चेहरे का स्टेटमेंट नहीं आया, यानी कि BSP सुप्रीमो मायावती हो, रामदास अठावले हो, उदित राज हो, चाहे रामविलास पासवान हो या कोई और हो, या इसमें मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार के, हालांकि स्थानीय कमेटी जो थी बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश इकाई थी पंजाब की वो पूरी तरीके से साथ थी, लेकिन जो बड़े नेता थे उनका किसी का भी इस मामले में अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इस मामले में एक चीज साफ नजर आती है कि बहुजन समाज 2 अप्रैल का मुद्दा हो चाहे ये कोई मामला हो, बहुजन समाज के ऊपर अगर आंच आती है तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।